हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मूल कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा एंड आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। बेसिकली जो मूल कॉन्सेप्ट की न्यूमेरिकल्स को गवर्न करती है इक्वेशन वो है वन मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स Gadro's number of atoms which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 और इसमें atoms की जगह Avogadro's number of molecules या ions भी आ सकता है, कोई भी, इन तीनों में से कुछ भी, वो हम question के ऊपर देखेंगे, it depends upon the question, which is equal to मास। सो गाइज, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि हमारे मोल कॉन्सेप्ट को टोटली गवर्न करती है। मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए यू नीड टू हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ यूनिटरी मेथड। लेट्स सॉल्व एन एनसीईआरटी क्वेश्चन टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। Calculate the number of moles for 52 grams of helium. जैसा कि मैंने कहा था कि हमने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को यूज करना है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया नंबर ऑफ मोल्स एंड 52 grams, मतलब यहां से मैं नंबर ऑफ मोल वन मोल और यहां से ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास हमारा ग्राम्स में होता है, तो दिस शोज कि मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाऊंगा, जी मतलब ग्राम्स। तो आंसर में मैं स्टार्ट करूंगा, वी नो वन मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 4 grams, तो वन मोल ऑफ हीलियम इज 4 grams, जिससे कि हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम होता है। अब हमने यहां पे यूनिटरी मेथड लगाना है, अप्लाई यूनिटरी मेथड। 4 grams में 1 mole है तो 52 ग्राम्स में कितने मोल होंगे, 1/4 × 52, 13 moles, हमारा आंसर आ गया 13 moles, दैट्स इट। हमने इसमें कुछ रट्टा नहीं मारा, हमने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं किया, हमने सब कुछ सॉल्व करना है विद दिस जस्ट वन सिंगल इक्वेशन, दैट्स इट। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 1.044 × 10^23 नंबर ऑफ एटम्स। इस क्वेश्चन को भी मैंने जैसे पहले कहा हम इसी इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं, हमने कोई भी फॉर्मूला क्रैम नहीं करना। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है अगर हम सिर्फ इस एक इक्वेशन को याद कर लें। We will be solving, see, हमारे पास number of moles and number of atoms, ये दो चीजें इसमें मिली हैं। अब हम यहां से one mole और Avogadro's number of atoms का लिख देंगे। We will do this like, we know one mole of helium has Avogadro's number of atoms. एन ए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब Avogadro's number ऑफ एटम्स। अब हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 6.022 Avogadro's into 10^23 Avogadro's number of atoms are present in 1 mole, तो क्वेश्चन में दिया 12 × 044 × 10^23 atoms are present in how many moles, 1/6.022 × 10^23 into 12.044 × 10^23। इससे हमारे पास क्लियरली कटिंग करने के बाद आंसर आएगा 2 moles, तो हमारा आंसर 2 moles आ जाएगा। अगेन वी हैव नॉट क्रैम्ड एनी फॉर्मूला, वी हैव जस्ट क्रैम्ड वन लाइन, दैट इज वन इक्वेशन, दिस इक्वेशन। आई इंसिस्ट प्लीज लर्न दिस इक्वेशन एंड आपको और कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना पड़ेगा इन द फुल मोल कॉन्सेप्ट। अदरवाइज अगर आप इस इक्वेशन को नहीं करते तो आपको काफी सारे फॉर्मूलाज लर्न करने की नीड हो सकती है, विच इज अ प्रीटी डिफिकल्ट टास्क, राइट।
So let's move on to another question. Calculate the mass of 0.5 moles of nitrogen gas. Yeh hamara first part hai. And second part hai, calculate the mass of 0.5 moles of N atoms, nitrogen atoms. Ab hum isme first part karne ja rahe hain, mass of 0.5 moles of N2 gas. Uske answer mein, ab hume yahan pe mole diya hai and mass kaha gaya hai. Ab hum yahan se is equation mein se mole और मास मॉलिक्यूलर मास का कांसेप्ट उठाएंगे एज सिंपल एज दैट हम लिखेंगे वी नो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 में का मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 2 × 14 grams. सी हमने पीरियोडिक टेबल में जब मासेस मॉलिक्यूलर मासेस पढ़े थे तो हम उसमें पढ़ते हैं N = 14. लेकिन यहां पे आप ध्यान दें यहां पे N2 है नाइट्रोजन. N2 बेसिकली हम नाइट्रोजन गैस N2 मॉलिक्यूल है उसकी बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसमें 2 × 14 grams लिया. ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया. 1 मोल का अगर 2 × 14 grams है तो 0.5 मोल्स का कितने ग्राम्स होगा. 2 × 14 upon 1 × 0.5 14 grams हमारा आंसर है. राइट Yet another easy question. Let's move on to its second part. 0.5 moles of N atoms. Ab isme hum fir se similar way mein proceed karenge. We know 1 mole of nitrogen. Yahan pe hum N likhenge kyunki hame question hai N atoms. N nikalna hai. Unhone specify kar diya N. Not N2. So be a bit careful in this. 1 mole mein 14 grams होता है, molecular mass, 1 mole, 14 grams, हमने कहा था 1 mole, molecular mass की equal है, यहां से हमने कह दिया, 1 mole, 14 grams है, 0.5 moles, कितने grams का होगा, 14 upon 1 into 0.5, 7 grams, so you see, ये कितना easy concept है, अगर हम सिर्फ इस एक equation के basis पे, सारे mole concept को solve करें. The next question is calculate the mass of 3.011 into 10 to the power 23 number of nitrogen atoms. Same concept rahega. Isme hum kahenge we know ab hame mass aur Avogadro's number uske beech mein relation banana hai. So hum kahenge we know 6.022 into 10 to the power 23 atoms are present in 14 grams of nitrogen. See ab humne yahan pe 14 grams isliye liya 28 नहीं, because यहाँ पे उन्होंने specify कर दिया n atoms, इसलिए यहाँ पे single n का है, so 14 grams तो 3.011 into 10 to the power 23 में कितने? 14 upon 6.022 into 10 to the power 23 into 3.011 into 10 to the power 23 is equal to 7 grams answer है, right? So this is how we deal with these sort of questions. Let's move on to the next question. Calculate the mass of 6.022 into 10 to the power 23 number of N2 molecules, nitrogen molecules. And we know that nitrogen, hydrogen, oxygen, these all exist in diatomic state, right? So inka jo molecule banta hai, wo N2, H2, O2 se banta hai. Is question mein bhi hume diya gaya mass and number of N2 molecules. So, we similar way mein solve karenge. We know 6.022 into 10 to the power 23 molecules are present in 2 into 14 grams. Because N2 diya hai, isliye hum yahan pe 2 into 14 grams lagayenge. So, unhone bhi 6.022 into 20, 10 to the power 23 mein pucha hai, kitne grams aayega. To wo to humare paas answer aaya hua hai. 28 grams. 2 into 14 is 28. As simple as that, right? So this is how we deal with so easy questions in a very easy way. Humne bas ek hi cheez ko yaad rakhna hai, that is 1 mole is equal to Avogadro's number is equal to molecular mass is equal to 22.4 liters at SGP. 22.4 wala concept abhi tak nahi aaya, aane wale questions mein hum iski bhi discussion. The next question is, calculate the number of particles in each of the following. 46 grams of sodium atoms, 8 grams of oxygen molecules and 0.1 mole of carbon atoms. Let us begin with the first part, 46 grams of sodium atoms. Ab isme hame diya hua hai grams matlab mass and atoms matlab Avogadro's number. Hamari first line inhi dono pe based hogi.
we know molecular mass sodium kotha 23. So 23 grams of sodium mein atoms hote hain. Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23 atoms. So 46 grams mein kitne honge? 6.022 into 10 to the power 23 upon 23 into 46. 1, 2. 6.022 into 2 is 12.044 into 10 to the power 23 atoms, or 1.2044 into 10 to the power 24 atoms. Both the answers are right. Bas humne isme decimal point ko ek shift kar diya aur wo 10 ko udhar le gaye. Right? So this is our answer. Ye hamara ek answer first part ka aa gaya. Now we'll move to the second part. Ab yahan pe humne grams kaha hai and grams and molecules. Matlab first line mein grams aayega, molecular mass and molecules se pata chal gaya Avogadro's number. Ek cheez jo dhyan deni hai wo hai ye ki O ka mass hota hai 16 grams. To O2 ka hoga 32 grams. Bas. Because yahan pe molecule ka oxygen molecule and they have specified O2. Waise to agar wo simply English mein bhi likh dete OXYGEN oxygen molecule, usse bhi it was pretty much clear that it is O2 because molecule, maine pehle bhi bataya tha, oxygen, hydrogen, in sab ke nitrogen diatomic state mein exist karte hain, right? So we will solve this in this way. We know 32 grams of oxygen mein number of particles kitne hain? Ab humne number of molecules nikalne hain. 6.022 into 10 to the power 23 molecules. तो उन्होंने 8 ग्राम में पूछे, 8 ग्राम्स में, तो 8 ग्राम्स में कितने हो गए? 8 1s 8 4s. अब इसको जब हम 6.022 अपॉन 4 कर देंगे तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.50 इंटू 10 टू द पावर 23. दैट्स इट, मॉलिक्यूल्स. ये हमारा आंसर है. राइट, सी मैंने पहले ही आपको एक बात कही थी, हम इसी एक इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे इसको. हमने वही एक इक्वेशन यूज की है, ये वाली 1 मोल, एवोगैड्रोस नंबर, मॉलिक्यूलर मास, उसी से हम हर क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. द थर्ड पार्ट इज 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स. अब हमें पता है यहां पर हमें मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स, अब यहां पर पार्टिकल्स एटम्स है, उसका बनाना है. तो हम लिखेंगे वी नो 1 मोल of carbon has 6.022 into 10 to the power 23 Avogadro's number of atoms, because carbon atom C se represent karte hain. So 0.1 mol mein kitna? 6.022 into 10 to the power 23 upon 1 into 0.1. isse hamare paas answer aayega 6.022 into 10 to the power 22. This will be our final answer. That's it. So this is how the most easiest way to solve any question of mole concept. You need to have, again, main aapko ek baat yaad dila dun, aapko ek hi baat yaad rakhni, you need to remember just one line, that is 1 mole is equal to Avogadro's number of particles, particles mein atoms, molecules, ions, kuch bhi aa sakta hai, as you have seen in the previous questions, is equal to molecular mass of the substance is equal to 22.4 liters at STP. That's it.